Hello everybody, you are watching HGTV. I am your host Parasanand. और आज हमारे साथ हैं सुपर टैलेंटेड मास्टर ब्लास्टर ऋषभ पंत। हाय ऋषभ, कैसे हो आप? ऑल गुड, वी आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया है ऋषभ, गुड टू सी यू। एंड मेरा सबसे पहले आपसे जो पूछने का मन कर रहा था वो ये था कि जब आज से 6 महीने पहले आप ऑस्ट्रेलिया गए थे तो एक चीज उसके आ रही थी, सब कह रहे थे कि कीपिंग में, यू नो, बैटिंग नोबडी वाज डाउटिंग, बट कीपिंग में आ रहा था कि थोड़ा अभी एरियाज हैं जो ऋषभ को इंप्रूव कर रहे हैं। तो अब 6 महीने बाद इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हो गई इंग्लैंड सीरीज में, आईपीएल में, ये चेंज इतनी जल्दी कैसे आया? मेरे को ऐसा लगता है कि एज अ प्लेयर आपकी प्रोसेस होती है, आप अपना काम करते रहते हो, बिकॉज ये ओवरनाइट नहीं हो सकती कुछ चीजें, क्रिकेट में ऐसे होती है, यू हैव टू कीप बिल्डिंग अप, चाहे फिटनेस हो चाहे स्किल्स हो, यू कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग इन एंड आउट, एक महीने, दो महीने, 10 साल सेम चीज करनी पड़ती है, तो आपको कंसिस्टेंट होना है लाइफ में, तो वही होता है फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समटाइम्स व्हाट हैपेंस, इवन इफ यू आर गिविंग 100% यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट, यू डोंट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट व्हाट यू वांट, बट आप अपनी प्रोसेस पे उस टाइम पे स्टिल सोचते रहते हो, नहीं मेरी प्रोसेस ठीक है, यू टॉक टू पीपल अराउंड यू जिनको आप ट्रस्ट करते हो, देन यू फाइंड अ वे कि यार डू आई हैव टू चेंज दिस और आई हैव टू कीप डूइंग द सेम थिंग, ठीक है रिजल्ट नहीं आ रहा, बट हर बार ऐसे नहीं हो सकता कि अगर आप सही चीज भी करते हो आपको रिजल्ट मिले, कभी टाइम भी लग सकता है उसमें, कभी एक महीना, कभी एक साल, बट आपको ट्रस्ट होना चाहिए अपनी प्रोसेस पे, बट मेरे साथ ये हुआ कि मैंने अपनी प्रोसेस पे ट्रस्ट करा, आई वाज टॉकिंग टू द पीपल अराउंड मी, बहुत सारे सीनियर रियल लोग हैं, मेरे कोच है, सबसे मैं बात करता रहता था कि यार मेरे को क्या करना है, तो आई वाज ट्राइंग टू गिव माय 100% ईच एंड एवरी डे, तो और स्पेशली कीपिंग में ये था कि कीपिंग मोस्टली क्या होता था, व्हेन आई यूज्ड टू गो टू इंटरनेशनल लेवल थोड़ा प्रेशर ज्यादा हो जाता था, मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज कर जाता था मैं, स्पेशली व्हेन आई कीपिंग एंड ऑल, कि यार मेरे से बॉल छूट ना जाए, एक्सपेक्टेशन इतनी है ऑल, देन मैंने बैठ के भाई भाई से बात करी कि कैसे क्या करना चाहिए, तो एक अच्छा सजेशन मिला कि जैसे तू आईपीएल में करता है, जैसे तू डोमेस्टिक में करता है, बी द सेम पर्सन, ट्राई टू डू द सेम थिंग बोल दे, तो उससे काफी कॉन्फिडेंस मिला क्योंकि आई एम द सेम पर्सन, आईपीएल में मैं टीम करता था, मेरे को ठीक होती थी, डोमेस्टिक में मैं करता था, मेरे को ठीक होती थी, बट व्हेन आई यूज्ड टू प्ले फॉर इंडिया एंड यूज्ड टू कीप वहां पे मेरे को प्रेशर की वजह से मेरे को थोड़ा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, तो उसी बात पे बातें करी, फिर इन ऑस्ट्रेलिया कॉन्फिडेंस हाई हुआ, थोड़ा रन बना के कॉन्फिडेंस मिला, उससे कीपिंग में भी रब ऑफ हुआ, प्रैक्टिस श्री भाई के साथ मैं प्रैक्टिस काफी कर रहा था और ज्यादा टाइम देने लग गया था, तो उससे काफी beautiful. आपने you used Mahi Mahi's name that he helped you in you know giving you that advice that you know just do keeping the way you do in an IPL game. Was this ever a factor playing on your mind that you know the shoes that you have to fill in for was you know of Mahendra Singh Dhoni, वो इतने बड़े प्लेयर थे, क्या कहीं वो भी प्रेशर रहा है कभी कि वो कभी फैक्टर नहीं रहता, he was always your idol and you were looking up to him. But as a player, when you are in the ground, आपको भी अच्छा करना है अभी भी, बट उस चीज पे फोकस ना ज्यादा हो जा रहा था कि मैं अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान नहीं दे पा रहा था, देन आई सडनली सेट बैक किया, क्या कर सकता हूं मैं, व्हाट आई कैन डू इन दिस सिचुएशन, कि वो हमेशा बोलते हैं कि फोकस ऑन कंट्रोल लेवल्स, अभी वो चीज तो कंट्रोल कर नहीं सकता मैं, बट ये चीज कंट्रोल कर सकता हूं कि अपनी माइंड में ये सब चीजें ना सोच के अपना 200% कैसे दे सकता हूं, तो उस पे फोकस कर रहा है, धीरे धीरे
it doesn't make a difference to you. You know, it reminds us of how Mr. Sehwag was. जैसे वीरू भाई थे, जिस तरीके से उनको भी फर्क नहीं पड़ता था कि 90s में हो, 190s में हो. So does those personal milestones don't matter to you, or they are there somewhere on the back of your mind? Mostly, I don't think of the milestone. If it has to happen, it will happen. But okay, you learn from your mistake. But कभी कभार जो भी होता है, you feel bad कि यार मैंने miss कर दिया, यहाँ पे थोड़ा single level खेल लेता. But बचपन से I used to love Virugya also कि यार मतलब Virugya क्या खेलते हैं, बहुत मैं बहुत follow करता था जब मैं starting में cricket watch मैं वैसे भी कम करता था, but जब भी देखता था तो Virugya को बहुत देखता था कि यार एक स्टार्टिंग में जब मैं फर्स्ट टाइम वीरूगिया से मिला था तो मेरे को ऐसा था कि यार वीरूगिया के साथ मैच खेलना है मेरे को. तो मैं जब दिल्ली आया था तो वो मेरा फर्स्ट ईयर रणजी ट्रॉफी का था, तब वीरूगिया खेलना चाहिए थे फर्स्ट ईयर. और मेरे को बहुत दुख हुआ कि यार खेली मैं जब मैंने देखा मेरे को इतना दुख हुआ कि भैया अगले साल चले जाते थे तो आईपीएल में मिल गया मेरे को. तो वीरूगिया को ये बात याद होगी नहीं वैसे, क्योंकि यार वीरूगिया कैसे याद होगी. मैं फर्स्ट ईयर में आईपीएल का टर्नामेंट में वीरूगिया के बाद वीरूगिया से मिला मैं. मैंने कहा भैया आपके साथ एक बार खेलना है यार, आप हरियाणा चले गए. मैं ऐसी मतलब बचपन से आदत है यार थोड़ा ऐसी बात करने की. मैंने कहा भैया आप चले गए हरियाणा, बहुत मन था आपके साथ खेलने का. कह रहे अब मैं तो नहीं आया बट मेरी तरह खेल के तो दिखा सकता है. तो मतलब कुछ बातें होती है ना वो आपके दिमाग में रहती है. वो वीरूगिया के बाद अभी तक याद है कि चल मेरी तरह खेल के दिखा दे, मैंने तेरे साथ बैटिंग नहीं करी तो क्या हुआ. वो तो दिखाई दिया, वो तो ऑस्ट्रेलिया में खेल के दिखाई दिया वीरूगिया की तरह भैया जितना हो सकता है और क्या. अच्छा अब आपने फिटनेस में भी लास्ट सिक्स मंथ्स में बहुत कुछ चेंज किया है, वेदर इट इज यू नो द मीडिया टॉकिंग अबाउट इट और वेदर इट इज यू नो वी सी ऑन योर सोशल मीडिया हैंडल्स. So, what has changed and what brought about that change? You know, suddenly itna focus fitness pe aapne kaise karna shuru kar diya? What was the reason behind it? Yeah, as a professional athlete, you know that if you want to be at the same stage where others are, you have to keep improving each and every day, because nowadays the cricket is so fast. Analyze itna zyada hota. There are so many things going around. Yeah. Toh apne aap ko, how do you keep one step ahead of everyone? So you have to keep on adding things. Skill wise you add, but as a fitness agar aap kuch add kar sakte ho, fir team environment aisa hai, wo aapko bhi lagta hai ki yaar matlab I can make a difference in the team. Sabko hota as an individual ki main kya difference create kar sakta hu as an individual ya India ke liye match khel raha hu. To wo ek extra 5% 10% agar dene se it can make a difference in your life and for the team. तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है. तो मेरे को रियलाइज हुआ कि ये चीज काफी लॉन्ग रन में स्पेशली काफी हेल्प करेगी. और जो मेरे सीनियर्स अराउंड में सबसे बात कर रहे थे कि यार ये चीज काफी हेल्प करती है, तो उस चीज पे फिर मैंने फोकस देना ज्यादा स्टार्ट कर दिया. ट्रेनिंग करता था मैं पहले भी, ऐसा नहीं था, बट अभी और ज्यादा ट्रेनिंग करता हूँ. And उसका रिजल्ट एकदम डायरेक्टली दिख रहा है. आई थिंक आपको भी फील होता होगा व्हेन यू आर बैटिंग एंड व्हेन यू आर यू नो व्हेन यू आर विकेट कीपिंग, तो यू कैन फील द डिफरेंस कि अब वो अगर यू नो फिटनेस है, स्पीड है, स्टैमिना है, तो डेफिनेटली वो रिजल्ट में दिखने लग गया है. बिल्कुल बिल्कुल भैया, मेरे को लगता है कि फिटनेस स्पेशली इन नाउडेज क्रिकेट की, इतना क्रिकेट फास्ट हो चुका है, आप जितने ज्यादा फिट होते जाओगे आपको उतनी ज्यादा स्किल इज ऑलवेज देयर, बट और ज्यादा अगर आप 100% स्किल में हो और 100% अपनी फिटनेस को और इम्प्रूव कर लो तो मतलब यू कैन कम टू अ डिफरेंट लेवल. सो बिकॉज आपको पता है, आपने भी इतने सालों से यू आर वॉचिंग क्रिकेटर एवरीवन की हर चीज इज गेटिंग इवॉल्व.
क्रिकेट का भी समान हो, जैसे आई यूज टू वॉच यार कैसे कितने पतले पतले बैट होते थे पहले, देन इतने मोटे मोटे बैट आ गए, अभी देयर इज अ रिस्ट्रिक्शंस की भाई इतने ही बैट हो सकते, तो इट्स आल्सो चेंजिंग. तो मतलब बहुत डिफरेंस है यार. जैसे सीनियर से बात करता हूँ, मेरे को तो ज्यादा डिफरेंस पता नहीं है, मैं तो थोड़ा थोड़ा ही बता सकता हूँ, बट यू हैव बीन वॉचिंग दिस फॉर अ लॉन्ग पीरियड की यार क्या ही डिफरेंस चल रहा है. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. तो वो इवोल्यूशन तो हुआ है नो डाउट. अब हमारी जो इंडियन टीम है इसमें इफ आई हैव टू आस्क यू इफ देयर इज दैट स्प्रिंट 100 मीटर्स और 80 मीटर्स अ शॉर्ट स्प्रिंट, सो हु इज द क्विकेस्ट नाउ इन द टीम? भैया मेरे को तो पता नहीं यार, बहुत सारे हार्दिक बहुत क्विक है, विराट भी बहुत क्विक है, शुभमन क्विक है. तो अगर इनके साथ आप तो शॉर्ट रनिंग में तो मोस्टली सारे ही क्विक है भैया. मतलब मेरे को लगता है कि लॉन्ग रनिंग से ज्यादा एजिलिटी ज्यादा चाहिए क्रिकेट में, बिकॉज़ आप 50-60 मीटर की स्प्रिंट मारते हो मैक्सिमम. करेक्ट. तो वो जितनी ज्यादा इंप्रूव करते रहोगे, बिकॉज हर इंडिविजुअल एक डिफरेंट इंडिविजुअल होता है, सबके जॉब्स अलग है. तो मेरे को लगता है कि जितना ज्यादा आप उसको इंप्रूव करने को देखोगे उतना अच्छा क्रिकेट में हेल्प मिलेगी, फर्क मिलता ही है डेफिनेटली. अच्छा अब वन इंटरेस्टिंग थिंग दैट हैज हैपेंड इज दैट यूव कैप्टेंड दिल्ली कैपिटल्स, करेक्ट? एंड वी वर सीइंग दैट यू नो फर्स्ट फ्यू गेम्स यू वर लिटिल नर्वस अबाउट कैप्टनिंग, बट देन इट केम टू यू नेचुरली. तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस यू नो जस्ट दोस 7-8 गेम्स दैट यू प्लेड, सो उसमें आपको कैसा मतलब डिड यू एंजॉय इट और यू फेल्ट दैट इट वाज मोर प्रेशर? फर्क क्या हो गया था बाय बिकमिंग द कैप्टन फॉर यू पर्सनली? आई थिंक पर्सनली आई वाज फीलिंग कि यार थोड़ा सा अंडर प्रेशर, बिकॉज़ फर्स्ट टाइम इतने बड़े स्टेज पे व्हेन यू बिकम अ कैप्टन, थोड़ा प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योरसेल्फ, बिकॉज़ व्हाट आई हैव लर्नड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है एक्सपेक्टेशन लोगों की भी होती है, बट इफ यू डोंट थिंक अबाउट दैट टू मच, यू विल बी मच मोर better individual than others, because abhi expectation ka pressure hai, it will be always there, but abhi us pe focus karoge to cricket pe focus kab karoge aap, ya aapko jo kaam karna hai us pe focus kab karoge, to what I fir wahi wali baat ki controllables pe focus karna hai ki abhi captaincy mil gayi hai, what can I do now? Absolutely. तो मैंने एक दो स्टार्टिंग एक दो मैच में प्रेशर लग रहा था कि यार एकदम, बिकॉज when you are inside the game, when you are the captain, आपको सब चेंज करना है, तो गेम इतना फटाफट निकलता है, आपको जब तक रियलाइज होता है कि गेम निकल गया तब तक तो आधा गेम हो जाता है, ओवर हो जाता है 2020 में, राइट? हाँ, especially in T20, तो फिर then ठीक है third fourth मैच से मतलब बेटर लगने लग गया, because as a wicket keeper I used to help Shreyas a lot पीछे से बताता रहता था कि, या उसको कुछ लगता था वो मेरे से पूछ लेता, तो ये चीज ने काफी हेल्प करा, बिकॉज एज अ विकेट कीपर वैसे भी आप देखते हो थोड़ी फील्डिंग प्लेसमेंट या क्या हो सकता है क्या, तो मेरे को लगता है विकेट कीपिंग ने कैप्टनसी को काफी हेल्प करी मेरी, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग रहती है गेम की, विकेट थोड़ा आप बेटर जज कर सकते हो रादर देन अदर्स, बिकॉज वही रहते हो आप, थोड़ा ज्यादा आइडिया हो जाता है बाउंस का, बोलर्स कौन से यूज कर सकते हो, तो उसने काफी हेल्प करा. बट जो बचपन से आता है, जो मैं चाहता हूँ मेरे साथ लोग करें, वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि वैसे ही करूँगा कैप्टन सी. यू नो लाइक वी आर सीइंग इन आईपीएल यू आर विकेट कीपर कैप्टन, देन संजू सैमसन इज द कैप्टन, केएल इज द कैप्टन, माही भाई इज द कैप्टन, तो कुछ कनेक्ट है कि अब विकेट कीपर्स इतने सारे कैप्टन बनने लग गए हैं, तो व्हाट इज योर थॉट ऑन दैट, यू नो दैट हाफ ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द कैप्टन्स आर विकेट कीपर्स, तो इससे कंपटीशन भी बेटर हो जाता है, एज अ प्लेयर एज अ टीम आपको ऑप्शंस भी ज्यादा हो जाते हैं, तो इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छी चीज है. नहीं, दिस इज वेरी गुड.